Hello friends, this is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo and I welcome all of you in our 3 PM session जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं Animal Kingdom 11th का एक बहुत ही important unit जो daily हम discuss कर रहे हैं ठीक 3 बजे हम लोग इस session में मिलते हैं बच्चों यहाँ अभी हम Annelida Arthropoda तक का section discuss कर चुके हैं पूरा और उसके बाद का session आज हम discuss करने वाले हैं हम बस सेशन स्टार्ट कर ही रहे हैं कुछ देर में और जब तक हम सेशन स्टार्ट करें तब तक मैं आपको बताता चलूं कि दिस इज अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट एज वेल एज एम्स तो इससे जुड़े रहिए चैनल से इसको सब्सक्राइब कीजिए इसको लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये जो पीछे दिखाई दे रही है यह है टीम प्लेसेबो जो इस वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स के लिए नीट और एम्स के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट अवेलेबल टीम है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो हम सभी लोग हम 6 लोग डेली 12 आवर्स के लाइव सेशंस लेते हैं आपके लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों ही सब्जेक्ट्स में हम आपको पूरा सिलेबस एग्जॉस्टिवली कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवा रहे हैं पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज कॉन्टेंट के साथ तो सबसे पहले जल्दी से आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से एजुकेटर कब कब आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ा रहे हैं मैं जल्दी से आपको बताता चलूं अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं शाम 5 बजे रात 11 बजे दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे आनंद सर आपको जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे रात 10 बजे मैं भी आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ दिन में 3 बजे और शाम 7 बजे रितु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे और 6 बजे और रोहित मालव सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए डेली जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं उनसे जुड़िए इंटरेक्ट कीजिए अपने क्वेश्चंस कोशिश कीजिए कि पोस्ट करें लाइव चैट में लाइव फीड में तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनको रियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी सभी क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो नए बच्चे आज जुड़े हैं उनको बताता चलूं माई सेल्फ डॉक्टर बकुल देव और मैं पिछले 15 सालों से प्री मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं बच्चों और इन 15 सालों में लगभग 12,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जिसमें से 2,500 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि अंडर 100 अंडर 50 रैंक लेकर के आए हैं मेरे स्टूडेंट्स और 6 बार ऐसा भी हुआ जब AIR फर्स्ट मेरे स्टूडेंट्स लेकर आए अलग अलग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में मैं चाहूँगा कि इस क्लास में इस ऑनलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स ये सेशंस देख रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेकर के इस बार नीट और एम्स में सेलेक्ट हों ओके तो आगे चलें बच्चों और आगे चलें उससे पहले ज़रा अनअकैडमी प्लस के एडवांटेजेस मैं बताता चलूँ आपको अनअकैडमी प्लस बड़ा इनोवेटिव और बड़ा वंडरफुल प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के अलावा जिस पर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं हम 6 लोग तो ले ही रहे हैं ऑब्वियसली हमारे साथ साथ मतलब नीट के प्लेटफॉर्म पर अगर मैं कहूँ तो लगभग 40 टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया से सभी सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग सेशंस ले रहे हैं अलग अलग क्लासेज ले रहे हैं आप जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो उन सभी एजुकेटर्स की सभी क्लासेस सभी सेशंस आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं और जो प्लस के एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस मैं रोज आपसे बताता हूं आज फिर से आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि कहां कहां किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी क्लास के कंप्लीट होने के बाद जो उस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स थे उनको आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं वो आपके पास आ जाएंगे आप उनको देख सकते हैं तो कंटिन्यूअसली आपको नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा हम वीकली क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी उस पर्टिकुलर वीक में हमने पढ़ा होता है जो भी उस वीक में हमने डिस्कस किया होता है उसके क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करते हैं और लाइव टेस्ट होते हैं वो और यूनिट कंप्लीशन के ऊपर मेगा टेस्ट होता है जिससे आप अपना असेसमेंट भी कर सको हर 4th लेक्चर बच्चों डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन होता है जिसमें आपका एक भी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं बचता सारे के सारे क्वेरीज आपके पर्सनलाइज्ड मैनर में सॉल्व किए जाते हैं तो उस क्लास को आप लीजिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और वहां जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स को भी अवेल करना स्टार्ट कीजिए एट द अर्लीएस्ट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस दिस इज माई रिकमेंडेशन फॉर यू हम आगे चलें उससे पहले बताता चलूं कि
Unacademy Plus पर हम लोगों ने अभी 1st of August को दो नए कोर्स लॉन्च किए हैं बच्चों, that is Ascent for Class 12, जिसमें मैं, रोहित मालव सर, आशुतोष गौरव सर और अमित दीक्षित सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, और इसमें हम 12th का पूरा सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली कलेक्टिवली कवर करने वाले हैं। और जो कोर्स इंडिविजुअली मैंने वहां पर स्टार्ट किया हुआ है बच्चों, दैट इज कंप्लीट कोर्स इन जूलॉजी फॉर ड्रॉपर्स। तो ये जो कोर्स है इसमें मैं 11th और 12th दोनों की ही जूलॉजी जो है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहा हूं, पहले यूनिट से लेकर के आखिरी यूनिट तक, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करने का जो मेथड है बड़ा इजी है, ये जो वीडियो चल रहा है अभी लाइव फीड जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है आपको और सब्सक्रिप्शन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा बच्चों। और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत 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 फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 month टू 24 months। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करना चाहता हूं कि अगर आप 12th में हैं या आप ड्रॉप कर रहे हैं, यू मस्ट ऑप्ट फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन। और ये 1 year सब्सक्रिप्शन जो है बच्चों, 12 month सब्सक्रिप्शन, इसका फी है जस्ट 25,000 पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए लगभग 2,000 रुपये महीना। 40+ टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया, उन सबके नोट्स, सबके क्विजेज, सबके टेस्ट, सबके डाउट सेशन, सब कुछ आपके लिए ओपन है। तो जल्दी से इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के वक्त ये रेफरल कोड भरेंगे इस कॉलम में, दैट इज बकुल 10, ये 25,000 फी आ जाएगा बच्चों 22,500 पर, ओके। और जो बच्चे अभी 11th में हैं, 2 साल के लिए कंटिन्यूअसली अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं और फिर 12th के साथ सीधे नीट और एम्स को क्रैक करना चाहते हैं, दे मस्ट ऑप्ट फॉर दिस 24 month सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसका फी है बच्चों 40,000। और ये जो 40,000 फी है, बस आपको ये कोड फिल कर देना है, दैट इज बकुल 10, एंड इट विल कम डाउन टू 36,000 फॉर 2 years। तो बच्चों अनअकैडमी प्लस पर आइए, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं, मैं खुद चाहता हूं कि आप सब उस प्लेटफॉर्म पर भी आए, जुड़े, वो जो क्लासेस वहां चल रही हैं उनके बेनिफिट्स को भी अवेल करें। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो बच्चों। अब हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट कर लें, और मैं ये भी देख लूं कि जरा कौन कौन बच्चे मेरी क्लास में आ गए हैं। लेट मी हैव अ लुक। देखो अभी आपने 5-6 मिनट में इतनी सारी चैटिंग कर डाली है। निशा धीर, निखिल श्रीवास्तव, एलेना करजान, बेटा आप कल नहीं दिखाई दिए मुझे, कल कहां थे एलेना? तरुण, तन्वी, काजल ओझा, आर्थ्रोपोडा, हाँ करवा दिया, थोड़ा सा बाकी है एलेना, उसको भी करवाऊंगा, आप कल क्लास में नहीं थे, वीडियो एक बार देख लीजिएगा। नैतिक, अंशु, वॉक्सी टॉक्सी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये कह रहे हैं कि सर आपसे बात करनी है, आप मैसेज में लिखिए बेटा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। रिया मैगन, डिम्पल ठाकुर, अंशु सिंह, तेजस्वी, गीता, गेमिंग यो, ठीक है, विजय, हर्ष गुप्ता, प्रियंका बाला सुब्रमण्यन, किमी जैन, तन्वी तूर, संस्कृति चौहान, काजल, और भी बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सुधांशु, जितेंद्र कुमार, मयूर, विष्णु, अपूर्व मंडल, हर्ष गुप्ता। चलिए ठीक है, आप आते जाइए, और जैसा कि आप जानते हैं, हाँ अंशु बिल्कुल आप प्रेजेंट हैं, मैंने आपका नाम देख लिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, एंड वी स्टार्ट विद द क्विज, स्मॉल क्विज, एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए अच्छे से और रिप्लाई कीजिए जल्दी से। प्रॉन एंड कॉकरोच बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू। प्रॉन एंड कॉकरोच बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे रिप्लाई कर पाते हैं, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, मैं आप सबके रिप्लाई देख रहा हूं। रिया मेगन कह रही हैं 4, निखिल कह रहे हैं 3, जितेंद्र कह रहे हैं 4, मयूर ऑर्डर आंसर दे रहे हैं, एलेना कह रही हैं 4, ठीक है ठीक है, ज्यादातर बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, 4 जिसने भी आंसर दिया है दैट इज करेक्ट, क्योंकि कल ही मैंने डिस्कस किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें कुछ मेजर ग्रुप्स थे जैसे उनको क्लास कह दें, क्योंकि
ऑर्डर तो क्लास के भी बाद में आएगा, आ रही है कि नहीं बात समझ में? जो सीक्वेंस आप पढ़ते हैं ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम फाइलम. फोर इज द करेक्ट आंसर बच्चों, फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है. और जिन्होंने फोर्थ आंसर नहीं दिया है वो एक बार के लिए पुराना वाला सेशन देख लें, ठीक है? चलिए जी, वेब वर्म इज ट्राइचिनेला, ट्राइचुरिस, एंकाइलोस्टोमा एंड लोवा. ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और अब आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए. चलिए देखते हैं अभी कौन कौन बच्चे सही आंसर दे पाते हैं. आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हिप वर्म इज ट्राइचिनेला, ट्राइचुरिस, एंकाइलोस्टोमा एंड लोवा. नवीन कह रहे हैं कि आपको मेरा भी नाम बोलना चाहिए. बिल्कुल नवीन, मैंने आपका नाम बोल दिया है और आप क्लास में प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट रहा कीजिए, सारे सेशंस अटेंड किया कीजिए, ओके? ज्यादातर बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे हैं टू, दैट इज ट्राइचुरिस एंड इट अपीयर्स टू बी करेक्ट, क्योंकि इसे हम कहते हैं ट्राइचिना वर्म, इसे कहते हैं व्हिप वर्म, इसे हम कहते हैं हुक वर्म और लोवा को हम कहते हैं बच्चों आई वर्म. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड. चलो जी आगे चलें, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज अ कॉमन अमंग स्कॉर्पियन, क्रैब, हनीबी एंड सिल्वर फिश. ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दो इसका. व्हाट इज कॉमन बिटवीन, कॉमन अमंग स्कॉर्पियन, क्रैब, हनीबी एंड सिल्वर फिश? Jointed legs, poison glands, compound eyes, and metamorphosis. Let us see. आने दीजिए आंसर, आने दीजिए, अभी तक मेरे पास करेक्ट आंसर आए नहीं है. लेट अस सी. सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्कॉर्पियन, क्रैब, हनी बी और सिल्वर फिश ये किससे, कौन से स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं. स्कॉर्पियन को जो हमने जिस ग्रुप में पढ़ा था, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स, ये एरेकेनिडा इनका ग्रुप कहलाता है. क्रैब जो है वो क्रस्टेशिया में आता है. हनी बी और ये जो आपका सिल्वर फिश है ये दोनों इंसेक्टा में आता है. तो अब जरा जल्दी से बताओ. कोई बच्चा कह रहा है वन, कोई कह रहा है थ्री. तरुण धीर कह रहे हैं सर प्रोटोजोआ एनिमेलिया में नहीं है. हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उस फाइलम को हम यहीं पर पढ़ते हैं, इसी जगह पर पढ़ते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट मींस जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ओके. क्वेश्चन नंबर फोर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन आर, फर्स्ट ऑप्शन इज गिल, सेकेंड इज ट्रेकिया, थर्ड इज लंग्स एंड फोर्थ बुक लंग्स. ये बच्चों मैंने कल ही डिस्कस किया था आपसे और अब आपको इसका आंसर दे देना है जल्दी से. इजी क्वेश्चन है. हमने, मैं बताता चलूं, तीन तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े थे. वन इज ट्रेकियल सिस्टम, अनदर इज गिल्स जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, एंड थर्ड इज बुक लंग्स. तीन तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोड्स में अपियर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. साथ ही ये भी बताता चलूं कि आर्थ्रोपोडा वो पहला ग्रुप है, वो पहला फाइलम है बच्चों जिसमें कि स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पहली बार अपियर हुए. इससे पहले के जितने भी फाइलम हमने पढ़े हैं बच्चों उनमें रेस्पिरेशन
जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। चलिए देखता हूँ कौन कौन सही आंसर दे पा रहे हैं। बुक लंग्स बोल रहा है कोई बच्चा, प्रियंका, निखिल, ठीक है चलिए आई एम हैप्पी। ये सारे के सारे बच्चे लगभग लगभग आंसर करेक्ट कह रहे हैं। जितेंद्र कुमार, संस्कृति, रिया मैगन, मयूर, लगभग लगभग सब बच्चों ने आंसर सही दिया है। द करेक्ट आंसर इज बुक लंग्स। चलिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दे दो इसका, जिससे कि फिर हम सेशन स्टार्ट करें हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, ऑल ऑफ द अबोव। चलिए देखते हैं। एलेना करजान कह रही है व्हाट इज सिल्वर फिश। अभी बस एक मिनट रुको बेटा, आपको उसका पिक्चर दिखाते हैं सिल्वर फिश का, क्योंकि मैं दो मिनट के लिए आपको रिवाइज करवाऊंगा सारा। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका तो सबको आंसर पता होना चाहिए। काजल ओझा कह रही है सर व्हाट इज स्टेटोसिस्ट। आज डिस्कस करूंगा बेटा स्टेटोसिस्ट के बारे में फाइलम मोलस्का में, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर इज हीमोसाइनिन। ओके, तो ये हुआ बच्चों छोटा सा क्विज, और अब इस क्विज के बाद हम सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वाला सेगमेंट थोड़ा सा आपको रिवाइज करूंगा हल्का सा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जनरल करेक्टर्स तो हमने सारे पढ़ लिए थे, उनके जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे उनको जरा अच्छे से देख लो। देखो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे इनको कलेक्टिवली हमने कहा था बच्चों क्रस्टेशियंस, जो यूजुअली कैसे होते हैं, एक्वेटिक पहली चीज। और इसमें चार पांच इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़े थे हमने, दैट इज पेलेमोन, प्रॉन, एस्टेकस, क्रेफिश, पेल्यूनोरस और लॉबस्टर, कैंसर या क्रैब, केकड़ा जिसे कहते हैं, ल्यूसिफर और श्रिम्प, यूपेगोरस और हर्मिट क्रैब। ये जो चार पिक्चर आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये है प्रॉन, माने कि ये पेलेमोन, ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको ये है क्रेफिश। अब ऐसे नाम जैसा कि मैंने कल बताया था आपको अच्छे से याद रखने हैं, सिल्वर फिश, क्रेफिश, इनके नाम में तो लिखा है फिश, लेकिन ये हैं क्या? आर्थ्रोपोड्स। ये जो दिखाई दे रहा है आपको दिस इज क्रैब, और ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज यूपेगोरस, यानी कि हर्मिट क्रैब, ठीक है ना। तो ये पहला ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का, क्रस्टेशियंस, और क्रस्टेशियंस में रेस्पिरेशन तो होता है गिल्स से और एक्सक्रीशन होता है एंटेनरी ग्लैंड से। ये चीजें मैं कल डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं बस। फिर देखो जरा पांच छह इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये भी हैं जो आपको याद रखना है, स्कॉलोपेंड्रा और सेंटीपीड, जूलस और मिलीपीड, देन स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स एंड माइट्स। ये जो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स और माइट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बच्चों एरेकनिडा, और इनमें फोर पेयर लेग्स होते हैं सब में। ये दो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं यहां पे रिकॉल करने के लिए, ये तो है स्पाइडर, तो इसमें देखिए आप 1, 2, 3 एंड 4, फोर पेयर लेग हो गए। ये है स्कॉर्पियन, इसमें भी बच्चों 1, 2, 3 एंड 4 पेयर लेग हो गए, ठीक है ना। तो जहां भी फोर पेयर आपको लेग दिखेंगे वो एरेकनिड की कैटेगरी में आएगा, और इनमें यही वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें की रेस्पिरेशन होता है बच्चों बुक लंग से। ये दो पिक्चर्स और देख लीजिए साथ साथ में जल्दी जल्दी। ये है आपका स्कॉलोपेंड्रा या हम कहें सेंटीपीड, और सेंटीपीड में आपको याद रखना है बॉडी के हर सेगमेंट पर वन पेयर लेग ऑन ईच सेगमेंट। और ये है आपका मिलीपीड, इसमें आपको याद रखना है टू पेयर लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने कल डिस्कस किए थे। रिया मेगन कह रही हैं कि जुवेनाइल हार्मोन कौन सीक्रेट करता है इंसेक्ट में, अभी बताते हैं बेटा आपको।
और क्या क्वेश्चन है? एक ग्लैंड होता है बच्चों, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, आ गई बात समझ में? इस हार्मोन का काम क्या होता है? दो तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं इंसेक्ट्स में, एक तो होता है जुवेनाइल हार्मोन और एक हार्मोन होता है एक्डाइसोन। ठीक है जी, जुवेनाइल हार्मोन का काम क्या होता है? जो लार्वा को लार्वा ही बनाए रखे, यानी कि उसमें मोल्टिंग को, एक्डाइसिस को प्रमोट न करे। और दूसरा हार्मोन होता है एक्डाइसोन, जो कि एक्डाइसिस को प्रमोट करेगा, तो बाहर बॉडी के जो कवर है, रिजिड शेल्स जो हैं, वो एक बार के लिए अलग होंगे, फिर वो इंसेक्ट थोड़ा सा साइज में बढ़ जाएगा, साइज में बढ़ने के बाद फिर शेल सीक्रेट हो जाएगा, मतलब एक्सोस्केलेटन सीक्रेट हो जाएगा, शेल नहीं कहेंगे, एक्सोस्केलेटन सीक्रेट हो जाएगा। तो ये दो हार्मोन हैं, ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं, वन इज जुवेनाइल हार्मोन एंड अनदर इज एक्डाइसोन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए बच्चों, और ये आखिरी एग्जांपल, अभी मेरे से किसी ने पूछा था सिल्वर फिश क्या होता है, तो अब इसको देख लो जरा, ये सिल्वर फिश है और ये इंसेक्ट है, और किसी भी इंसेक्ट का पता हम कैसे करेंगे? 1 2 3 देखो, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो मैंने यहां लिखे हैं ना, कलेक्टिवली इन सबको कहते हैं इंसेक्टा। इनका दूसरा नाम है बच्चों हेक्सापोडा, माने कि थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे 1 2 3 थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये मॉस्किटो है, केवल मॉस्किटो मैं लिख रहा हूं क्योंकि मॉस्किटो के भी 2-3 अलग अलग स्पीसीज हैं जो आपको याद रखने हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। ठीक है, फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है सिल्क वर्म, जिसे बॉम्बिक्स भी कहते हैं, ये सिल्क वर्म का कोकून है, इसी से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको बेड बग, यानी कि खटमल, ब्लड सकिंग एक्टोपेरासाइट है। ये यहां आपको दिखाई दे रहे हैं टर्माइट्स, माने कि दीमक, और ये दिखाई दे रहा है आपको एपिस, माने कि हनी बी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैं आपसे पढ़ चुका हूं। हाँ, तो बिल्कुल आपने देखा होगा बेटा सिल्वर फिश होता क्या है, मैंने कल बताया था, आप कल वाले लेक्चर में आए नहीं। पुरानी किताबें जो घर पे पड़ी होती हैं या किसी लाइब्रेरी को आप विजिट करो, उनमें जो पुरानी किताबों को देखोगे, उनको जब खोलोगे तो कई बार एक बिल्कुल चमकता हुआ सा एक इंसेक्ट जो है उन बुक्स के पन्नों से बाहर निकलता है, वही सिल्वर फिश होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सब लोगों ने देखा होगा। तो ये लेपिस्मा, सिल्वर फिश, मॉस्किटो, कॉकरोच, सिल्कवर्म, लेग इंसेक्ट, बेड बग, टर्माइट, एफिड्स, ये इंसेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए बच्चों। और एलेना कह रही है कि बकुल सर स्कैबीज कौन कॉज करता है? सार्कोप्टिस स्कैबियाई। ठीक है, जो टिक्स और माइट्स हमने पढ़े हैं ना अभी, इन्हीं में से एक ऑर्गेनिज्म है सार्कोप्टिस स्कैबियाई, जिससे कि स्कैबीज डिजीज होता है। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को एग्जांपल समझ में आ गए। अब मैं जरा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट पोर्शन पर आ रहा हूं, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दैट इज माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर के बैठ जाएं अच्छे से, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं सब मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि इंसेक्टा के जो माउथ पार्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। ये होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन कैसे होते हैं ये समझ लो। माउथ पार्ट्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले लेब्रम, फिर फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला, सेकंड पेयर ऑफ फ्यूज्ड मैक्सिला, इसी को लेबियम भी कहते हैं, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंक्स।
अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये चीजें हैं क्या। जैसे कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बेड बग है, हनी बी है, इन सब के मुंह के आगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ माउथ काइटिन के छोटे छोटे स्ट्रक्चर अरेंज्ड होते हैं। और किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? इस तरीके से सर्कुलर मैनर में, जिससे कि माउथ के आगे एक छोटा सा कैविटी फॉर्म हो जाता है बच्चों, और वो कैविटी कहलाता है प्री ओरल कैविटी। सो माउथ पार्ट्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर, माउथ पार्ट्स आर स्मॉल काइटिनस स्ट्रक्चर्स एंड दे आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट स्मॉल प्री ओरल कैविटी इज फॉर्म्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द माउथ। नाउ देयर आर फाइव बेसिक कंपोनेंट्स इन द माउथ पार्ट्स। वन इज लेब्रम, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम अपर लिप भी कहते हैं। लेबियम, जिसको लोअर लिप भी कहा जाता है। मैंडिबल, जिसको हम टीथ भी कह देते हैं। और हाइपोफेरिंग्स, जिसको हम टंग भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब ये कैसे अरेंज होते हैं जरा समझ लो। जैसे ये माउथ है मानो, अब माउथ के ऊपर एक इस तरीके से लगा हुआ है लेब्रम, ये नीचे लगा हुआ है क्या, लेबियम। अब इनके ऊपर वाले कॉर्नर्स पर लगे होते हैं मैंडिबल, नीचे वाले कॉर्नर पर लगे होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला। तो ये सारा अरेंजमेंट इस तरीके का हो गया, पेरिफेरी पर अरेंज हो गए सारे के सारे की एक कैविटी बन गई, दैट इज नोन एज प्री ओरल कैविटी। और इस प्री ओरल कैविटी में एक स्ट्रक्चर हैंग करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइपोफेरिंग्स, सिंपल लैंग्वेज में जिसे कह देते हैं टंग। एक बात तो हुई है। अब ये लगभग ऐसी ही चीज है जैसे हम हमारे हाथ में बेसिक कॉम्पोनेंट देखें तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, ठीक है जी, बोन्स का सीक्वेंस। यही बोन बर्ड्स के फोर लिंब में भी होंगे, लेकिन बर्ड के फोर लिंब में ये क्या करने लगेंगे, उड़ने का काम करने लगेंगे। यही बोन ब्लू व्हेल के फोर लिंब्स में भी होंगे, लेकिन वहां ये फ्लिपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही बोन हॉर्स, कैटल, बफेलो, इनके फोर लिंब में भी होंगे, लेकिन वहां वॉकिंग या रनिंग के काम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ऐसे ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन जो काम अलग अलग करने लग जाए, डिफरेंट करने लग जाए। अब होता क्या है बच्चों, बेसिक कॉम्पोनेंट तो यही है सारे के सारे, मतलब लेब्रम हो गया, मैक्सिला हो गया, लेबियम हो गया, मैंडिबल हो गया और हाइपोफेरिंग्स हो गया, लेकिन अलग अलग इंसेक्ट्स में ये अलग अलग तरह के काम परफॉर्म करने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं। तो अब इंसेक्ट्स में जो माउथ पार्ट्स हैं वो देखो, पहला एडेप्टेशन आ गया इनमें बाइटिंग एंड च्यूइंग। आई मीन टू से दैट दीज फाइव कॉम्पोनेंट्स आर एडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। ऐसे माउथ पार्ट मिलते हैं बच्चों कॉकरोच में। फिर दूसरे में आइए, पियर्सिंग एंड सकिंग, दीज आर एडेप्टेड टू पियर्स द स्किन एंड टू सक द ब्लड, एंड दीज माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन केस ऑफ फीमेल मॉस्किटो। जैसे फीमेल एनोफेलीज है, फीमेल क्यूलेक्स है, इन सब के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तीसरा, च्यूइंग एंड लैपिंग, जो च्यू करें उसके बाद लैपिंग करें, कहने का मतलब वो जो मेस्टिकेट किया है जिस पोर्शन को, उसको काइटिनस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से माउथ में एंटर करें। तो ऐसे माउथ पार्ट्स मिलते हैं बच्चों हनी बी में। चौथा, स्पॉन्जिंग, ये ऐसे माउथ पार्ट हैं, चीजें यही होंगी, ये ऐसे माउथ पार्ट हैं जो न तो स्किन को पियर्स कर सकते हैं, न बाइट कर सकते हैं, न च्यू कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सलाइवा रिलीज करेंगे फूड पर, फूड जो है वो सलाइवा में डिजोल्व हो जाएगा, जब डिजोल्व हो जाएगा तो ये स्पॉन्जिंग एक्शन से उसको सक कर लेंगे। ये मिलते हैं हाउस फ्लाई में। और आखिरी कैटेगरी है साइफनिंग, ये माउथ पार्ट्स होते हैं बटरफ्लाई में। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है
कि इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, लेब्रम, मैग्जिला, लेबियम, मैंडिबल एंड हाइपोफेरिंग्स पहली चीज। ये पांचों कंपोनेंट अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं। जैसे मॉस्किटो में, फीमेल एनोफेलीज में इनका एडेप्टेशन क्या आ जाएगा कि स्किन को पियर्स करना है, ब्लड सक करना है। लेकिन ये वाला एडेप्टेशन कॉकरोच में नहीं है। कॉकरोच हमारे स्किन को पियर्स नहीं कर सकता, वो केवल बाइट कर सकता है। तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट हो गए कॉकरोच के अंदर। हनी बी जो है वो चूइंग और लैपिंग कर सकती है केवल। हाउस फ्लाई जो है वो केवल स्पॉन्जिंग एक्शन से सक कर सकती है। बटरफ्लाई जो है वो केवल साइफनिंग एक्शन कर सकती है। साइफनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी बकेट के अंदर एक पाइप डाला, पाइप से थोड़ा सा पानी खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली पानी बकेट से बाहर निकलने लगता है थ्रू पाइप, वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है ना। इसी तरीके से बटरफ्लाई में क्या होता है, ये माउथ पार्ट इस तरीके के होते हैं, अंदर ग्रूव होती है, ये दोनों जुड़ गए तो एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इन्होंने किसी फ्लावर का सैप जो है वो सक करना है, मान लो कि कोई जूस सक करना है, तो ये अंदर एंटर करेगा, फिर एक बार ये सक करेंगे फिर वो चैनल बन जाएगा, तो साइफनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं और सबके फंक्शंस स्पेसिफाइड हैं। अच्छा चलिए ठीक है। गेट रेडी कह रहे हैं सर टॉर्शन क्या होता है, मैं अभी मॉलस का स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, आपको टॉर्शन भी बताऊंगा, है ना। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, टॉर्शन भी हम पढ़ने वाले हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अभी मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करने वाला हूं, इस पर भी जरा कॉन्सेंट्रेट करना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या है। अभी देखो अगले 5-10 मिनट में जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है एक, तो थोड़ा बिल्कुल कूल होकर के बैठ जाएं, दिमाग को फोकस रखें लेक्चर पर, चैटिंग करना बंद करें और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो बच्चों इंसेक्ट्स में जब हम बात करते हैं तो इंसेक्ट में लाइफ साइकिल को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला स्टेज हुआ एग, एग से बाहर आया इमैच्योर स्टेज, और इमैच्योर स्टेज फिर कन्वर्ट किस में हुआ बच्चों, मैच्योर स्टेज, ठीक है। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन केस ऑफ इंसेक्ट, एग, इमैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज, ठीक है जी। एक चीज तो हुई है। अब मेटामॉर्फोसिस टर्म कब काम में लिया जाएगा इसको सुनो आप, 2 चीजों पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पहला, मॉर्फोलॉजी, और दूसरा लाइफस्टाइल, जिसमें 2 चीजें आती हैं, पहला हैबिटेट और दूसरा फीडिंग, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए मैं आपको यह चीज समझाता हूं, अच्छे से समझ लेना इसको एक बार में। इफ, आई रिपीट, इफ द इमैच्योर स्टेज डिफर्स फ्रॉम मैच्योर स्टेज, अच्छे से सुनना, इफ द इमैच्योर स्टेज differs from mature stage either in morphology or in lifestyle or in both, मतलब immature stage mature stage से different होगा, किसमें, या तो morphology में अलग होगा या lifestyle में अलग होगा या दोनों में अलग होगा। अगर ये differences immature और mature stage में हैं, in that case we will use the term metamorphosis। आ गई बात समझ में। अगर इमैच्योर और मैच्योर स्टेजेस जो हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द साइज, कि इमैच्योर स्टेज छोटा है मैच्योर स्टेज बड़ा है, तो फिर उस ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को मेटामॉर्फोसिस नहीं कहा जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द इमैच्योर स्टेज डिफर्स फ्रॉम मैच्योर स्टेज ईदर इन मॉर्फोलॉजी और इन लाइफस्टाइल और इन बोथ,
In that case, we use the term metamorphosis. Clear? अब इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस कितने तरह के होते हैं ये देखो, मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं ए मेटाबॉलस, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहें नो मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब क्या हुआ, इमैच्योर एंड मैच्योर स्टेज आर एग्जैक्टली सेम, इमैच्योर एंड मैच्योर स्टेज आर एग्जैक्टली सेम इन मॉर्फोलॉजी एंड इन लाइफस्टाइल एंड द ओनली डिफरेंस, अकेला जो डिफरेंस है वो किसमें है, साइज में। इसका मतलब ये हुआ न तो मॉर्फोलॉजी बदली, नहीं लाइफस्टाइल बदली, माने कि हैबिटेट भी नहीं बदला, फूड भी नहीं बदला, तो जो इमैच्योर स्टेज था वो बस छोटा था साइज में, मैच्योर स्टेज बड़ा हो गया। इट इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, नथिंग इज चेंजिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। तो ऐसा मेटाबॉलस जो है, ऐसा मेटामॉर्फोसिस जो है उसको हम कह देंगे ए मेटाबॉलस, वर्चुअली देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। तो उसके लिए भी एक टर्म यूज कर लिया है, जैसे हम कहते हैं ना किसी में कोई सिमेट्री नहीं है तो उसको कह देते हैं ए सिमेट्री, ठीक है। ये मिलता है बच्चों सिल्वर फिश में, ठीक है साहब। अब दूसरा आओ, ये इंपॉर्टेंट है, पोरोमेटाबॉलस, या हम कहें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, पोरोमेटाबॉलस और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। अब इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब यह है कि जो इमैच्योर स्टेज है, पोरोमेटाबॉलस की बात कर रहा हूं, इमैच्योर स्टेज जो है यह तो कहलाता है निम्फ, मैच्योर स्टेज कहलाता है इमेगो, और निम्फ और इमेगो में डिफरेंस केवल किसका है, मॉर्फोलॉजी का, दे डिफर ओनली मॉर्फोलॉजिकली। कहने का मतलब लाइफस्टाइल दोनों का सेम है, फूड भी वही है, हैबिटेट भी वही है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आ गया है। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहेंगे बच्चों, पोरोमेटाबॉलस, और पोरोमेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस मिलता है कॉकरोच। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इमैच्योर स्टेज इज नोन एज निम्फ, मैच्योर स्टेज इज नोन एज इमेगो, निम्फ डिफर्स फ्रॉम इमेगो ओनली इन मॉर्फोलॉजी, इन दैट केस द मेटामॉर्फोसिस इज पोरोमेटाबॉलस। ओके, थर्ड हेमी मेटाबॉलस, या हम कहें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबॉलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगेन इमैच्योर स्टेज इज नोन एज निम्फ, मैच्योर इज नोन एज इमेगो, निम्फ डिफर्स फ्रॉम इमेगो इन बोथ मॉर्फोलॉजी एज वेल एज लाइफस्टाइल। तो अब दोनों में डिफरेंस आ गया है, इसमें भी और इसमें भी, इज इट क्लियर। इन दैट केस द मेटामॉर्फोसिस इज हेमी मेटाबॉलस एंड वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ड्रैगन फ्लाई एज वेल एज मे फ्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चौथा होलो मेटाबॉलस, या हम कहें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो होलो मेटाबॉलस में अब स्टेजेस ये नहीं बनेंगी, अब स्टेजेस चार हो गई, एग, पहला इमैच्योर स्टेज बना लार्वा, दूसरा इमैच्योर स्टेज बना प्यूपा, और फाइनली बना इमेगो, ठीक है जी। यहां तीन ही स्टेजेस थे पोरोमेटाबॉलस और हेमी मेटाबॉलस में, एग निम्फ इमेगो। अब यहां स्टेजेस कितने आ गए हैं बच्चों, चार, एग लार्वा प्यूपा एंड इमेगो। और अब क्या होगा, लार्वा या कहें फर्स्ट इमैच्योर स्टेज और ये सेकेंड इमैच्योर स्टेज, दो इमैच्योर स्टेज बने इसमें, यहां एक ही बन रहा था। सो लार्वा डिफर्स फ्रॉम प्यूपा इधर इन मॉर्फोलॉजी और इन लाइफस्टाइल और इन बोथ फर्स्ट, एंड प्यूपा डिफर्स फ्रॉम इमेगो इधर इन मॉर्फोलॉजी और इन लाइफस्टाइल और इन बोथ।
तो जब लाइफ साइकिल में चार स्टेजेस बनने लग जाएं एग लार्वा प्यूपा एमेगो तो सीधी सी बात है मेटामॉर्फोसिस कैसा कहलाया होलो मेटाबॉलस और इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं हाउस फ्लाई मॉस्किटो सिल्कवर्म एंड हनी बी चारों एग्जांपल दे सकते हैं और कई बार इनकी लार्वल स्टेजेस के नाम भी हमसे पूछ लिए जाते हैं तो लार्वल स्टेजेस के नाम भी देख लो बच्चों जैसे हाउस फ्लाई का जो लार्वा है वो कहलाता है मैगट मॉस्किटो का लार्वा कहलाता है रेगुलर सिल्क वर्म का लार्वा कहलाता है कैटरपिलर हनी बी का लार्वा कहलाता है ग्रब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो अब मैं फाइनली आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो देखूं मैं जरा चलो ठीक है मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूं मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ इमैच्योर स्टेज किसमें बदला मैच्योर स्टेज में लेकिन इस इमैच्योर के मैच्योर में बदलने के दौरान या तो मॉर्फोलॉजी में चेंज आया या लाइफस्टाइल में चेंज आया या फिर दोनों में चेंज आया तब हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस अगर कोई चेंज नहीं आया तो नो मेटामॉर्फोसिस अब इंसेक्ट्स में बेसिकली चार कैटेगरी के मेटामॉर्फोसिस हैं ए मेटाबोलस जैसा कि मैंने डिस्कस किया सिल्वर फिश में होता है और सिल्वर फिश में केवल साइज बढ़ती है न तो मॉर्फोलॉजी चेंज होती है न ही लाइफस्टाइल चेंज होती है पोरो मेटाबोलस कॉकरोच जिसमें तीन स्टेजेस आते हैं एग निम्फ इमेगो और निम्फ इमेगो से केवल मॉर्फोलॉजी में वेरी करता है जैसे कॉकरोच का जो निम्फ है उसमें विंग्स नहीं होते जबकि एडल्ट कॉकरोच में विंग्स आ जाते हैं तो दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंज बाकी हैबिटेट सेम है और फूड सेम है तो ये पोरो मेटाबोलस हो गया हेमी मेटाबोलस या इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या हुआ कि जब एग निम्फ और इमेगो तीन स्टेजेस हैं और निम्फ इमेगो से दोनों में डिफर करता है मॉर्फोलॉजी में भी और लाइफस्टाइल में भी एग्जांपल इज ड्रैगन फ्लाई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन होलो मेटाबोलस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें कि चार स्टेजेस बनेंगे एग लार्वा प्यूपा इमेगो एग लार्वा प्यूपा इमेगो यानी कि दो इमेच्योर स्टेज बने फर्स्ट इमेच्योर स्टेज इज लार्वा सेकेंड इमेच्योर स्टेज इज प्यूपा Now the first stage differs from second either in morphology or in lifestyle or in both. The second immature stage differs from adult either in morphology or in lifestyle or in both. ठीक है जी इसके चार एग्जाम्पल हैं चारों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं हाउस फ्लाई मॉस्किटो सिल्कवर्म एंड हनी बी और इनके लार्वा के नाम भी यहां पर पूछे जा चुके हैं तो हाउस फ्लाई का लार्वा कहलाता है मैगट मॉस्किटो का कहलाता है रेगुलर सिल्कवर्म का कैटरपिलर और हनी बी का ग्रब दैट इज जी आर यू बी सो आई होप ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है लेट मी सी कोई और क्वेश्चन मेरे पास अशफाक अहमद कह रहे हैं कि मेटाजेनेसिस क्या होता है बेटा मेटाजेनेसिस तो हम पढ़ चुके हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेजेस ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अब रिया ने क्या क्वेश्चन पूछा है और कहाँ है बेटा आपका क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है रिया अभी दिखाई नहीं दे रहा है दिलीप कुमार प्रजापति कह रहे हैं सर प्लीज क्विकली रिपीट चलो वापस से रिपीट कर देता हूं अब अच्छे से सुन लो लास्ट बार मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ व्हेन द इमैच्योर स्टेज कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर स्टेज एंड व्हाइल कन्वर्जन Either changes are observed in morphology or in lifestyle or in both. In that case, the pattern of growth is known as metamorphosis. Clear? अब पहला है ametabolus. इसमें ना तो morphology में change हो रहा है ना lifestyle में. Immature stage थोड़ा छोटा है, mature थोड़ा बड़ा है. मतलब simple growth हो रहा है. तो इसको हमने कह दिया no metamorphosis or ametabolus. The example is silverfish. Porometabolus या gradual metamorphosis ये होता है cockroach में. तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस में इमैच्योर स्टेज कहलाएगा निम्फ मैच्योर स्टेज कहलाएगा इमेगो और निम्फ केवल मॉर्फोलॉजी में डिफर करेगा एडल्ट से हेमी मेटाबोलस ड्रैगन फ्लाई में होता है
वही तीन स्टेजेस हैं निम्फ एंड इमेगो, लेकिन इस बार निम्फ इमेगो से मॉर्फोलॉजी और लाइफस्टाइल दोनों में डिफरेंट होगा। आखिर यह है आपका होलो मेटाबोलस यानी कि कंप्लीट, इसमें तीन की जगह चार स्टेजेस आ गई, एग, लार्वा, प्यूपा एंड इमेगो। लार्वा प्यूपा से और प्यूपा इमेगो से, या तो मॉर्फोलॉजिकली या लाइफस्टाइल में या दोनों में डिफरेंट होगा। इसके एग्जांपल है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सिल्कवर्म एंड हनी बी, और ये चार इनके एग्जांपल हैं। ये लार्वल स्टेजेस भी पूछ लिए जाते हैं। रिया क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा, आपने वापस से लिखो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वेयर इज योर क्वेश्चन, आप एक बार फिर से लिख दीजिए। मेटामॉर्फोसिस का आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ओके चलो जी, आ जाएं अब आज का हमारा फाइलम दैट इज मोलस्का। जल्दी जल्दी इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं और जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते वक्त हमें आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर से उनको मैच करते जाना है, ठीक है ना। आइए लेट अस स्टार्ट विद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का में सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट भी है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है जी। हैबिटेट, सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए। हैबिटेट एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों ही है, मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। सिमेट्री कैसा है इनका, बाइलेटरल, एक एक्सेप्शन है गैस्ट्रोपोड्स जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोम इनका शाइजोसीलोम है लेकिन हीमोसील मिलता है इनमें। ये डिफरेंस आपको मैं आर्थ्रोपोडा में समझा चुका हूं अच्छे से। डिफरेंस क्या है कि इनमें बॉडी कैविटी तो ट्रू है, बॉडी कैविटी इज शाइजोसीलोम, बट ट्रू बॉडी कैविटी इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड गोनेड्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड द रिमेनिंग स्पेस इन द बॉडी इज फिल्ड बाय ब्लड जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ओके अब इनके बॉडी का डिवीजन देखो, हेड, मेंटल एंड फुट, जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेशन बाय टेनेडिया, एक्सक्रीशन बाय टू पेयर ऑफ सैक्स। अब मैं इसके लिए आपको एक बार ये यहां से मैं इंक इसका इरेज करूं और अब मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूं एक टिपिकल मोलस्क का कि मोलस्क एक्चुअली दिखाई कैसे देते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक टिपिकल मोलस्क मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि मोलस्कंस एग्जैक्टली होते कैसे हैं। ये एक मोलस्कन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई भी टिपिकल मोलस्का का मेंबर होगा उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझाने के लिए मैं ये आपको यहां पे स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं। तो इसको जरा अच्छे से समझ लें। ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल बोल दो इसको। ये इनका माउथ है, ये इनका हेड है, ये आईज हैं, ये टेंटिकल्स हैं। अब इसको लेबल कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। देखो बॉडी का डिवीजन क्या लिखा है, हेड, मेंटल और फुट। तो पहले तो ये समझ लो, ये तो है हेड, ये है माउथ, ये है फुट, ये है सिंपल आई, ये है टेंटिकल्स। अब अच्छा ये भी देख लो, ये है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के आगे की तरफ एक नर्व रिंग है, फिर ये वेंट्रल नर्व है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब समझो इनकी बॉडी में
डॉर्सल पोर्शन पर स्किन एक फोल्ड बनाता है, ये जो फोल्ड दिख रहा है ना आपको यहां पर, तो ये वाला फोल्ड कहलाता है बच्चों, ये देखो ये लिखा है ना यहां पे मेंटल, दिस इज मेंटल, और मेंटल मिड डॉर्सल पोर्शन पर ऊपर उठा रहता है हंप की तरह, जैसे ऊंट में होता है ना, कैमल में हंप होता है, कूबड़ बोलते हैं जिसे, तो वैसे ही ये उठा होता है, तो इसे हम कहते हैं विसरल हंप। अब मेंटल क्या है? फोल्ड ऑफ द स्किन। व्हाट इज मेंटल? फोल्ड ऑफ स्किन। और इस स्किन के फोल्ड में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बच्चों शेल ग्लैंड्स, जो बाहर की तरफ क्या रिलीज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल। ठीक है जी। पीछे की तरफ मेंटल एक कैविटी फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी, और इस मेंटल कैविटी में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कह दें टेनेडिया, या हम कहें गिल्स, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल मॉलस्क। अब देख लो जरा जनरल कैरेक्टर्स को, फिर से देख लो इधर, ये तो हो ही गया सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, हैबिटेट वगैरह हो गया, शाइजोसिलोम हो गया। बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड, मेंटल एंड फुट। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेड, दिस इज द सेकंड पार्ट डॉर्सल फोल्ड ऑफ द स्किन मेंटल, एंड थर्ड इज वेंट्रल फुट। बॉडी इज डिवाइडेड इन थ्री रीजंस। जबकि अभी तक हमने बॉडी के जो डिविजन्स हैं चलो ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या नहीं मैं एक बार देख लेता हूं। नैतिक कह रहे हैं शैल इज सीक्रेटेड बाय मेंटल, दैट इज करेक्ट। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, मेंटल एंड फुट, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, और मेंटल में ग्लैंड्स होते हैं जो बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल सीक्रेट करते हैं। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, और इस बात का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एलिमेंट्री कैनाल में दो डेफिनेटिव ओपनिंग्स हो, दैट इज माउथ एज वेल एज एनस, तो उस केस में हम क्या कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को या एलिमेंट्री कैनाल को? कंप्लीट। रेस्पिरेशन बाय टेनेडिया और गिल्स, ये जो मैंने बनाया है यहां टेनेडिया और गिल्स, ये रेस्पिरेशन में सपोर्ट करेंगे। एक्सक्रीशन बाय टू पेयर ऑफ सैक लाइक किडनीज, जो यहां मिलेंगे, यहां हार्ट भी मिलेगा, यहां किडनीज भी मिलेंगे। तो हार्ट कैसा हो गया इनका? बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर, ये याद रखना है आपको। नॉन कॉर्डेट्स में यानी इन वर्टिब्रेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल ही होगा, कॉर्डेट्स में यानी कि हमारी बॉडी में हार्ट कहां होता है? वेंट्रल। नॉन कॉर्डेट्स में अगर नर्व कॉर्ड होगा देखो तो वेंट्रल होगा, और हमारी बॉडी में अगर नर्व कॉर्ड होगा तो डॉर्सल होगा। नॉन कॉर्डेट का नर्व कॉर्ड हमेशा कैसा होगा? सॉलिड। और हमारा नर्व कॉर्ड हमेशा कैसा होगा? हॉलो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, ये टिपिकल मोलस्का का स्ट्रक्चर हुआ। चलिए जी आगे चलते हैं। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा इनकी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? हीमोसील, जिसमें कि ब्लड भरा रहता है, इसका मतलब टिश्यूज आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन अच्छे से याद रखना है आपको। इनमें ग्रुप आता है सिफेलोपोडा, जिनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिफेलोपोडा का मतलब जिसमें ऑक्टोपस आता है, जिसमें कटलफिश आता है, जिसमें नॉटिलस आता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है। हीमोसाइनिन, इससे रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चन आज आपसे क्विज में पूछा ही था, यह पिगमेंट है जो इनके ब्लड में मिलता है। नर्वस सिस्टम अभी आपने देख ही लिया, देखो ये एक रिंग है, और इस रिंग से ये वेंट्रल नर्व निकल रहा है जो पीछे तक जाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था, इन दोनों को मैं बता देता हूं आपको। इनमें दो इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वन इज ऑस्फ्रेडियम, अनदर इज स्टेटोसिस्ट। तो ऑस्फ्रेडियम का काम क्या है? ये देखो ये जो लिखा है ना ऑस्फ्रेडियम, व्हाट ऑस्फ्रेडियम विल डू? इट डिटेक्ट
the chemical nature of water. वाटर में कौन से केमिकल्स डिसॉल्व्ड हैं, वो किस प्रॉपर्टी के हैं, किस तरीके के हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम किसका है? ऑस्फ्रेडियम का. और दूसरा है बच्चों स्टेटोसिस्ट. तो ये स्टेटो टर्म आपको कहीं भी दिख जाए ना, स्टेटो का मतलब होता है, देखो हमारे जो कान हैं, ईयर्स, हमारे ईयर्स का एक और नाम है स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन. तो एकॉस्टिक का मतलब तो हियरिंग हो गया और स्टेटो का मतलब हो गया बैलेंस. तो हमारे ईयर जो हैं आज, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि हमारे ईयर जिनको हम कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, इनके दो फंक्शन हैं, हियरिंग एंड बैलेंस. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, द आंसर वुड बी बैलेंस. हियरिंग की एबिलिटी बाद में डेवलप हुई है, बैलेंस की एबिलिटी पहले डेवलप हुई है. इवन हमारे ईयर का भी प्राइमरी फंक्शन हियरिंग नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना या बैलेंस से रिलेटेड सेंसेशंस रिसीव करना, जनरेट करना, वो ईयर का प्राइमरी फंक्शन है. ठीक है, इक्विलिब्रियम. तो यहां पर भी स्टेटोसिस्ट क्या करेगा, बैलेंस. ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था. नाउ मॉलस्क्स आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भी मिलेंगे. डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, बट इफ इट इज इनडायरेक्ट, तो ये तीनों लार्वा आपको पता होने चाहिए. और इनमें खास बात क्या है, तीनों लार्वा में यहां नाम लिख रहा हूं तीनों के. देखो एक लार्वा है वेलिजर, एक लार्वा है आपका ट्रोकोफोर और एक लार्वा है ग्लॉचिडियम. अब जिन बच्चों ने कल वाला सेशन अच्छे से देखा होगा उनको याद होगा कि ये ट्रोकोफोर लार्वा तो हमने एनलेडा में भी पढ़ा था और ये लार्वा यहां भी आ रहा है और दो और लार्वा आ रहे हैं एक्स्ट्रा, दैट इज वेलिजर एंड ग्लॉचिडियम. तो तीन लार्वल स्टेज इनमें अपियर हो सकते हैं. और ट्रोकोफोर लार्वा अगर कॉमन है एनेलेडा और मोलस्का का, तो इससे हमें यह भी समझ में आता है कि एनेलेड्स एंड मोलस्कंस दे आर ओरिजिनेटेड और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर. इनका एंसेस्टर एक ही रहा होगा तभी ये कॉमन लार्वा शेयर कर रहे हैं. वहां पर भी ट्रोकोफोर लार्वा था, यहां पर भी ट्रोकोफोर लार्वा है. तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में होगा ये कि इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन रहा होगा. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी देखता हूं कोई क्वेश्चन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कह रहे हैं दिलीप कुमार प्रजापति कि उनको कंफ्यूजन है. भाई जहां लार्वा बन जाए वो तो इनडायरेक्ट और जहां लार्वा न बने वो डायरेक्ट. जैसे अर्थवर्म में लार्वा नहीं बनता तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, फिश में लार्वा नहीं बनता तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ह्यूमन में लार्वा नहीं बनता तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और एम्फीबियंस में लार्वा बनता है जैसे फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. जैसे आपके फेशियोला के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज बनते हैं जबकि पांच लार्वा बनते हैं तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट. एस्केरिस के लाइफ साइकिल में पांच अलग अलग लार्वा बनते हैं तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट. ओके, तो ये तो इनके जनरल कैरेक्टर्स हुए बच्चों. अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स देख लो इनके जल्दी से. सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल देखो, नियोपिलाइना. इसकी खास बात क्या है नियोपिलाइना की, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. ठीक है जी, और ये कनेक्टिंग लिंक क्यों है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, रीजन क्या है, बिकॉज इट एग्जिबिट इनडिस्टिंक्ट इंटरनल सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. यानी कि मेटामेरिज्म एग्जिबिट करता है लेकिन इनडिस्टिंक्ट मेटामेरिज्म एग्जिबिट करता है ये. ठीक है ना, फिर देखो काइटन,
डेंटेलियम, ये इंपॉर्टेंट है, डेंटेलियम का एक और नाम है टस्क शेल। और इसको टस्क शेल क्यों कहते हैं, देखो ये डेंटेलियम है, दिस इज डेंटेलियम। तो हाथी दांत के जैसा इसका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, इस वजह से ये टस्क शेल कहलाता है। यूनियो, माइटिलस, टेरेडो, पिंटाडा एंड ऑस्ट्रिया। यूनियो इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर्ड मसल, माइटिलस को हम कहते हैं मरीन मसल। मसल एक कॉमन टर्म है, जैसे शार्क एक कॉमन टर्म है, बहुत सारे तरीके के शार्क होते हैं। तो ये तो है आपका यूनियो, ठीक है ना। टेरेडो इसे कहते हैं शिप वर्म, शिप वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पानी के जहाज होते हैं उन जहाज का जो नीचे का लकड़ी वाला पोर्शन होता है, जो भी बॉटम होता है, उसमें एपर्चर कॉज करता है, ठीक है, तो उनको नुकसान पहुंचाता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है टेरेडो, ठीक है ना। और ये आपको माइटिलस भी दिखाई दे रहा है इधर, मरीन मसल। और फिर इसमें आता है पिंटेडा, जिसे हम कहते हैं पर्ल ऑयस्टर, इससे हमें मिलता है मोती। ये दिख रहा है आपको, ये पर्ल ऑयस्टर है और ये इसमें देखो क्या दिखाई दे रहे हैं, पर्ल मोती दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसमें मोती बनता है, मोती बनता कैसे है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो गया। तो नियोपिलाइना, काइटन, डेंटेलियम, यूनियो, माइटिलस, टेरिडो, पिंटाडा। डेंटेलियम याद रखना है टस्क शेल, यूनियो फ्रेश वाटर्ड मसल, माइटिलस मरीन मसल, टेरेडो शिप वर्म जो कि शिप्स को, जहाजों को नुकसान पहुंचाता है, पिंकटेडा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ल ऑयस्टर कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, मोती, ठीक है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बच गए हैं, वो ये है। तो ये जो ऊपर ब्लू कलर से मैंने एग्जांपल लिखे हैं, पाइला जिसे हम कहते हैं एप्पल स्नेल, तो ये जो दिख रहा है ये एप्पल स्नेल हो गया पाइला। साइप्रिया, साइप्रिया का मतलब है कौड़ी, कौड़ियां होती हैं घर के अंदर कई बार ऑर्नामेंटल कुछ चीजों को लेकर के, या पुराने जमाने में चौपड़ खेला जाता था जिससे, तो उसमें कौड़ियां होती थी। ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज साइप्रिया। एप्लाइसिया दैट इज सी हेयर। अब देखो सी माउस पढ़ चुके एफ्रोडाइट, सी हेयर पढ़ रहे हैं, ये आपका सी हेयर है। डोरिस, सी लेमन, ये सी लेमन है, ठीक है, नींबू के जैसा दिखाई दे रहा है। टर्बिनेला, होली चैंक, चैंक का मतलब है शंख, मंदिरों में शंख देखे होंगे आपने, तो ये शंख जो है इस ऑर्गेनिज्म के एक्सोस्केलेटन से बनता है, टर्बिनेला के एक्सोस्केलेटन से। अब ये जितने भी मैंने यहां पर लिखे ना, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं बच्चों गैस्ट्रोपोड्स। और गैस्ट्रोपोड्स ऐसे मेंबर हैं मोलस्का के जो कि कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल शुरू में नहीं होती, इनका लार्वा जो है उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री ही होती है, लेकिन एडल्ट जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। और वो इस वजह से हो जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इनकी बॉडी में होता है टॉर्शन। टॉर्शन कैसे होता है और क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये चार एग्जांपल और देख लो जल्दी से, सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, नॉटिलस। सेपिया कहते हैं, देखो पहले लॉलिगो देख लो, सी एरो, तो ये लॉलिगो है, एरो के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेपिया कहते हैं कटल फिश को, तो ये आपका सेपिया है,
ऑक्टोपस कहते हैं डेविल फिश को, ये आपका ऑक्टोपस है जिसमें 8 आर्म्स होते हैं, और नॉटिलस कहते हैं टाइगर शेल को, ठीक है। और सॉरी ये मैंने यहां गलत लेबल कर दिया, एक मिनट रुको जरा। दिस इज नॉट सेपिया, दिस इज सेपिया, और ये जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये है आर्किट्यूथिस, या हम कहें जायंट स्क्विड। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लार्जेस्ट, सबसे बड़े साइज का इनवर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हैं आपके लिए, और अब हमारा सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है आज, तो अब ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वैसे एग्जांपल मैंने लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं, आने वाले सेशन में एक बार ये एग्जांपल वाले स्लाइड्स में फिर से रिवाइज करवा दूंगा, जनरल कैरेक्टर्स आप पढ़ के बैठेंगे। और दो इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं, दैट इज टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स एंड पर्ल फॉर्मेशन, की मोती कैसे बनता है, ये दोनों चीजें मैं भी आपको अगले सेशन में करवाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आर्थ्रोपोडा के बचे हुए पोर्शन और लगभग मोलस्का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल किंगडम का पहला हिस्सा जो है नॉन कॉर्डेटा, दैट इज ऑलमोस्ट कंक्लूडेड। एक फाइलम उसमें बचा हुआ है, दैट इज एकाइनोडर्मेटा, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली अप टू कॉर्डेटा, दो मेजर फाइलम उसके बाद में बचेंगे। तो धीरे धीरे हम कॉम्प्रहेंसिवली एग्जॉस्टिवली आपका सिलेबस कंक्लूड कर रहे हैं, ओके। तो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, मैंने कल भी आपसे कहा था कि लाइव फीड में नहीं, इस वीडियो के बाद जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वहां पर जाकर के आप अपना कमेंट मेंशन करें, उसको मैं जरूर पढ़ूंगा, और अगली क्लास में आपको रेफर करते हुए, आपका नाम लेते हुए मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा क्लास में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ये काम तो आपको कर ही देना चाहिए था, अब तक बहुत से बच्चों ने कर भी दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत इस काम को कर दें, इसको स्प्रेड करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ये सेशन पहुंच पाए, और उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो नीट और एम्स के लिए, वो भी अपने आप को इक्विप कर पाए। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करो बच्चों, मैं आप सबका वेट कर रहा हूं वहां पर। कुछ बच्चे आ भी गए हैं, लेकिन आप सब लोग वहां पर आइए, वहां पर जो क्लासेस चलती हैं उनका भी आप बेनिफिट लीजिए, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, अब मिलते हैं शाम को 7 बजे, और आज शाम को 7 बजे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे फाइनली, क्योंकि कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पोर्शन हमने कंक्लूड कर लिया था। सो गुड बाय फॉर नाउ, मिलते हैं ठीक 7 बजे वाले सेशन में, ओके, थैंक यू।